की शुरुआत आप लोग रोड के ऊपर, तो उसका परसुएशन जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर होना है। गवर्नमेंट देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स ये पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस है और दोनों ही फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये महाराष्ट्र के अंदर, एक औरंगाबाद में है और एक दूसरा अमरावती में है। इनके स्टूडेंट्स की कुछ मांगे हैं जो पिछले कई सालों से ये लोग परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। इनकी मांग जो है वो ये है कि इनके कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, जिस तरह MBBS के स्टूडेंट्स को मिलता है या दूसरे साइंस के स्टूडेंट्स को मिलता है, उसी तरह इनको भी कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद है तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए। ये एक उनकी मांग है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कुछ पोस्ट क्रिएट जाए ताकि इनका जब कोर्स कंप्लीट हो तो वहाँ पर उन्हें एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी मांगे हैं जो जेन्यून है और स्टूडेंट्स अगर रोड के ऊपर आकर ये लोग अपनी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो ये लोग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने आंदोलन कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत एक आंदोलन से होना तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के पास गया और इनको पर्सनली लेके जाके डिविजनल कमिश्नर के साथ, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन इनको भी बुलाया गया और इनके साथ चर्चा हुई। डिविजनल कमिश्नर ने एश्योरेंस दिया है कि ये इनका पूरा डेलीगेशन जो भी मेमोरेंडम ये दिए है ये गवर्नमेंट के ऊपर फॉलो करेंगे। मैं स्टूडेंट से यही अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है इसीलिए इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं इनको आश्वासन देता हूं कि इनका एक डेलीगेशन अगर मुंबई आता है तो हम मुख्यमंत्री के साथ इनकी मीटिंग करवाएंगे, जो हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके साथ इनकी मीटिंग करवा के जो रास्ता निकल सकता है, क्योंकि यंग बच्चे जो कॉलेज का स्टूडेंट्स है और जो इस मुल्क का फ्यूचर है वो रोड के ऊपर बैठना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि अपना मेमोरेंडम इन लोगों ने यहाँ पर दे दिए है, अब ये लोग अगर अपने लेवल के ऊपर अगर मुंबई के अंदर अगर मिलते हैं तो यकीनन इसको हम परस्यू करेंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। हमारे आज फार्मडी स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक को इम्तियाज जलील जी ने खुद से आकर मिल चुके, उन्होंने हमारी मांगों को देखा। बच्चे स्टूडेंट्स जो कि यूथ देश का फ्यूचर है, उनके रास्ते पे बैठना उनके लिए अच्छा नहीं लगा। हमने तो वैसे कितने लोग MLAs और कितने सारे मंत्री और माजी मंत्रियों को निवेदन दिए, आवेदन दिए, किसी ने हमारी इस बात की दखल नहीं ली। पर इम्तियाज़ जलील जी ने इस बात का बहुत ही अच्छे से बात करके अपने आयुक्त कार्यालय में आकर उनसे खुद से बात करके हमारा पॉइंट आगे भेजने की बात की और उन्होंने बाकी का भी प्रोग्राम बना के दिया है, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद अपने मुख्यमंत्री, सभी से बात करवा के देंगे और आप हमारा इशू क्लियर करवा के देने की गुहाई दी है। और हम कमिश्नर से आपकी मुलाकात की, इस दौरान क्या
डिविजनल कमिश्नर जी से हमारी बात हो गई, तब खुद से इम्तियाज़ जलील जी ने उन्होंने हमारे फामड़ी के इश्यूज़ के बारे में बताया और उनसे ये ऊपर की लेवल सरकार के लेवल तक ये पूरे इश्यूज़ भेजने की बात की। आपका नाम देखिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।